तो भाई फिलहाल हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है। ये तो गाइज अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं यहाँ गरम धरम। सो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है आप लोगों के। मैं बहुत सही हूँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है 9 तारीख, जी 9 तारीख है ना, एक मिनट देख लो। हाँ जी आज है 9 तारीख और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे। तो आप देख सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के कहाँ जा रहा हूँ, तैयार व्यार होकर सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के। तो बात ऐसी है, जैसे हमारे यहाँ जहांगीरपुरी है तो यहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं निवेता, आप जानते होंगे उसको। तो उसके अपार्टमेंट से ना आज बस लेके जा रहे हैं लोग चुलगाना धाम। चुलगाना धाम आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हरियाणा में समालखा है, समालखा के अंदर गाँव है चुलगाना धाम। वहाँ पे क्या है, जैसे खाटू श्याम को आप सब जानते हैं, खाटू श्याम बाबा, तो वहाँ पे ना उनका धड़ रखा हुआ है, तो उसके आज हम यहाँ पे दर्शन करने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर वापसी आते टाइम शायद से हम ये दिल्ली धाम जो खाटू श्याम है यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर बाबा की कृपा रही तो यहाँ पे भी दर्शन करके आएंगे। तो अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा संध्या हर को लेने के लिए, संध्या भी जाएगी साथ में, तो उसको लेके फिर हम जाएंगे वहाँ जहांगीरपुरी निवेदा के अपार्टमेंट में। वहाँ पे फिर गाड़ी खड़ी करके फिर उनके साथ बस जा रही है, बस में हम बैठ के जाएंगे। फिर वहाँ पे सबसे मिलवाता हूँ कि कौन क्या बस लेके जा रहा है, कितने टाइम से ये लेके जा रहे हैं, क्या प्राइस है, क्या क्या ये फैसिलिटीज़ देते हैं उसके अंदर, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बस देखते रहना और एंड तक देखना, लाइक कर दो सबसे पहले ब्लॉग को, और अगर तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो जल्द से जल्द, ठीक है। चलते हैं फिर। अभी मैं आ गया समझार की सोसाइटी में, वही एज यूजल थोड़ा लेट करा रही है, पता नहीं कहाँ मरी पड़ी है, कहाँ नहीं मर रही, बाकी छोड़ो आ रही है। और बाकी मेरा आउटफिट देखो तुम्हारा भाई, ये पहन रहा कुर्ता पजामा, सही लग रहा होगा शायद, तो पहन लिया, चल लगे लगे सही, बाकी सही है, ढीला ढाला सा है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाएगा। तो बस ये अभी आ रहे हैं, एक दो मिनट में आ जाएगी, फिर निकलते हैं यहाँ से और फिर शू गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये देख लो इनकी नई नई स्कूटी, पार्टी बाकी है इसकी, स्कूटी लेने की भी, जैसे ही वहाँ से फ्री होएंगे पार्टी लूँगा इससे, स्कूटी की नहीं। राम राज भी आएगा। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, जय 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 जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, खाटू श्याम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। तो भाई फिलहाल हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है, ये बैठी हुई है यहाँ पे, ये आंटी बैठी हुई है, अब सफर का मजा करते हुए जाते हैं, जयकार लगाते हुए जाते हैं, गीत गाते हुए जाते हैं, देखो बाकी और मजा आने वाला है भैया, सही है। पहली बार जा रही है ना तू भी, पहली बार जा रही है ना आंटी भी, पहली बार जा रही है। तो आफ्टर दर्शन के बाद उनसे पूछेंगे कि इनका कैसा रिएक्शन रहा, कैसे दर्शन हुए, कितना मजा आया, बाकी मैं टिकट वगैरह का सब एकदम एंड में बताऊंगा। तो आप पहले जर्नी एंजॉय करो, और अभी यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। बाकी इसकी शक्ल देख के ब्लॉक मत कर देना।
तो भाई हम फिलहाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमारी सारी बस लग गई है। कैसे रही तेरी यात्रा अभी तक? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। इसको नींद आ रही है, मैंने तो थोड़ी सी नींद पूरी करनी थी, तो अभी यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं यात्रा के लिए। आ जा, पहली बस यात्रा चुलगाना धाम दिल्ली काटू धाम। किराया इसमें लिखा हुआ है 300 रुपये। Thank you.
तो भाई नाचते कूदते गाते उते हम यहाँ पे पहुँच गए बाबा के बाबा के दरबार में। अब यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिया है एंड अब जाके अंदर दर्शन करके आते हैं। भीड़ शायद से पाएगी अंदर बहुत ज़्यादा, तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर देखते हैं। ये जो अंदर पहुंच गए हैं, एक बार दर्शन करते हैं बढ़िया तरीके से। दर्शन करने के बाद अगर दिखेगा कि हाँ मैं आपको भी करा सकता हूँ तो आपको कराऊंगा, वरना फिर दर्शन करने के बाद मिलते हैं। देखो शाम कुंड है, यहाँ पे आके आप नहा सकते हो, ना छींटे मार सकते हो, थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, नहा धो के आराम से जा नहाया। दोस्तों हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए, ये पहली बार आई थी, कैसे रहे तेरे दर्शन? बहुत अच्छे रहे। दोबारा आएगी? यस। डीजे पे डांस करके मजा आया? बहुत मजा आया। आंटी से पूछते हैं, आंटी कैसे रहे दर्शन? दोबारा आओगे? हाँ जी। ऐसे ही आओगे डीजे के साथ? तो भाई कसम से जो पहली बार आता है ना, बस दरवाजा खुल जाता फिर तो आना लगा ही रहता उसका। तो अभी हम यहाँ से फिलहाल निकल चुके हैं, अब शायद से हम दिल्ली धाम दर्शन करने जा रहे हैं, अगर टाइम लगा तो वहाँ पे करेंगे, वरना शायद से सीधा घर, वरना अभी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली धाम पे हम रुकेंगे ही रुकेंगे। और इसका बेचारे का पेट जो मतलब भूख के मारे बुरा हाल हो, वैसे ही कुछ नहीं खाती और अब एकदम भूखी रहेगी तो मर ही ना जाए, मुझे डर लग रहा है इसका। खिलाते हैं जैसे बस रुके, कुछ खिलाते हैं इसको। तो गाइज अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं यहाँ गरम धरम। मैं आ जाना, हाँ तो गए, आ जा जल्दी आ भाई। फिलहाल अभी हम गरम धरम पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमने होल्ड लिया है, यहाँ पे हमारा लंच होने वाला है। ये देखो ये मिले हमें सिक्के से, तेरा सिक्का कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो भाई इसको दिखा के हमें आज लंच मिलेगा, किसी और पर्पस से बनाया गया था। देखो बस सारी चीजें बता दे, अब सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं। तो भाई यहाँ पे आ गए और ये बेचारी पहली बार आई है यहाँ पे, 300 रुपये में सारी चीज घूम ली और वो मिले नहीं है ना मुझे अभी तक, इसलिए क्लसरी है। कोई ना, चल भाई यहाँ पे आप पहुँच गए, अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है खाने को। वैसे पराठे मिलेंगे, बढ़िया वाले पराठे लेते हैं और अपना खा पी के रेडी। ये देखो कैसा लग रहा है पहली बार यहाँ आके, हमेशा सपनों में ही देखा है ना तूने, ये टीवी में ही देखा है ना, व्लॉग्स वगैरह में देखा है ना, इसमें झूलेगी तू, तेरे साथ की ये भी। तो गाइस ये बैठे हुए हमारे सारे बस यात्री, सारे जहांगीरपुरी से आ रखे हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइजर सबको ऑर्गेनाइज करते हुए। तो गाइस आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन मैं आपको दिखा दूँ, देखो कहाँ है ये, देखो जय श्री राम। अब हम आज की हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो यही है, खाटू श्याम दिल्ली धाम। अब यहाँ पे हम अपना लास्ट यात्रा पूर्ण करेंगे फिर चलेंगे अपने घर की ओर। वैसे तो यहाँ पे कई सारे ब्लॉग्स में बना चुका हूँ बट फिर आज एक बार और से, जितनी बार बाबा बुलाएगा उतनी बार आएंगे हम। तो वैसे आंटी पहली बार जा रही है? हाँ बेटा। चलो देखते हैं आंटी कैसे दर्शन होते हैं। Thank you.
पर आई थी। यहाँ कैसे रहे आंटी दर्शन? तेज बोलो थोड़ा। मांग लिया बाबा से जो मांगना था। अब देखो एक बार बाबा ने बुला लिया ना, बाबा अपने आप बुलाता रहेगा। अब हर बार मौका मिलता रहेगा बाबा के पास आने का। फिलहाल मैं अपने घर आ चुका हूँ और आज की जो यात्रा है ना, कसम से बहुत मजा आ गया। अगली बार कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर से जाऊंगा। तो अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।